छुट्टियों में बच्चे बार बार कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, तो आप इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसे मसाला बर्गर बनाकर उनको खिलाएं। सिर्फ 5 मिनट में ये स्टफिंग बनकर रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सूखा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच इसमें किचन किंग मसाला डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे मसाला जलने लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। मैंने 1 चम्मच इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस और आधा चम्मच इसमें डालेंगे शेजवान सॉस। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसे मसाला बर्गर वाला आएगा। अगर आप इसका कलर और थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दें। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू, जो इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आप एक बार ये मसाला बर्गर अपने बच्चों को खिला कर देखें, उनको ये मार्केट से भी ज़्यादा पसंद आएंगे। 2-3 मिनट के लिए आलू पका लेंगे और फिर इसको ठंडा कर लेंगे। मैंने बीच में फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि इसका मसाला जल रहा था। फिर से मैंने फ्लेम ऑन करके लो फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट के लिए पका लिया है, फिर इसको ठंडा कर लेंगे। अब ये पाव ले रही हूँ, पाव को हम बीच में से कट कर लेंगे। तवे को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और जो बर्गर है उसको अंदर से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसके अंदर स्टफिंग लगाएंगे। सबसे पहले एक साइड में टमाटो सॉस लगाऊंगी और दूसरी साइड इसके ग्रीन चटनी लगाएंगे। तो ये नॉर्मल ग्रीन चटनी है जो धनिया और पुदीने से बनती है। आप सॉस की जगह कोई भी चटनी का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर इमली की मीठी चटनी भी लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मसाला बर्गर बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अब इसके बीच में प्याज टमाटर और पनीर रख देंगे और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाल देंगे और फिर से इस बर्गर को दोनों तरफ से अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। फ्लेम को लो रखेंगे, इससे इसका स्मोकी फ्लेवर आएगा और बर्गर बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस तरह से एक बार बर्गर बना कर देखें। आपके घर में किसी गेस्ट ने आना हो तब भी आप ये बर्गर बना सकते हैं। लीजिए, हमारे बर्गर बनकर रेडी हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, इसको आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।